हेलो फ्रेंड्स, किरण सेकंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन को भी। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं मालपुआ, जो कि हम कंडेंस मिल्क को यूज़ करके बनाएंगे। मालपुए खोया डालकर दूध से मिल्क पाउडर जो होता है, या फिर कंडेंस मिल्क से बनाए जा सकते हैं। ये देखते हैं हमने इसके लिए क्या क्या लिया है। 200 ग्राम लेना है मैदा, या आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। 150 ml लिया है कंडेंस मिल्क, जो कि मैंने घर में बना कर रखा हुआ है। 150 से 200 ग्राम तक लेनी है चीनी चाशनी बनाने के लिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। पानी भी हमने उतना ही लेना है जितनी हम शुगर ले रहे हैं। इसकी हमने चाशनी तैयार करनी है बिना किसी तार के, गाढ़ी चाशनी बनानी है, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें तार खींचे, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। चीनी घुलने तक थोड़ा इसको पकाकर गाढ़ा करना है। एक गैस पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और दूसरे गैस पर हम चाशनी तैयार करने के लिए रख देते हैं। शुगर और पानी दोनों इक्वल लेने हैं। सबसे पहले हम एक बैटर रेडी करेंगे। एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं मैदा, कंडेंस मिल्क, 150 ml ही हमने लेना है दूध। हम इसका बैटर जो है दूध से रेडी करेंगे, इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। दूध डालकर इसको हमने एक बैटर रेडी करना है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी आप देखिएगा, ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना ही बहुत पतला। इसमें भी तकरीबन 100 ml मिल्क लग जाएगा। 100 से 150 ml तक मिल्क लगेगा फ्रेंड्स। डिपेंड करता है कि आपने जो कंडेंस मिल्क लिया है वो कितना थिक है या पतला है। मैंने जो घर में बनाया है वो थोड़ा थिक है। मार्केट से कई बार जो हम लेकर आते हैं वो थोड़ा पतला ही होता है, तो उसको जब हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमें दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना पड़े। तो फ्रेंड्स रेडी है बैटर, मैंने रेडी कर लिया है। अभी मैं आपको ये चेक करवा दूंगी जब हम इसको डालेंगे। घी हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो रहा है, इधर चाशनी रेडी हो चुकी है, थोड़ा हम इसको पकने देंगे ताकि गाढ़ी हो जाए। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करें। देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, आराम से इजीली फ्लो होना चाहिए, गिरना चाहिए। जिस पैन में आप बना रहे हैं थोड़ा इस तरह का ले, थोड़ा चौड़ा हो जो, जिसमें आप 2, 3, 4 इकट्ठे डाल सकें, क्योंकि मालपुए का साइज़ बहुत बड़ा तो हम नहीं बनाते हैं, मीडियम छोटे छोटे बना सकते हैं, छोटे या थोड़े से मीडियम साइज़ के। मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको रखना है और दोनों तरफ से इसका कलर चेंज होने तक, थोड़ा गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच रखेंगे तो ये ऊपर ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर थोड़ा सा इसके अंदर कच्चापन रह जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्लेम को मीडियम ही रखें, लो से मीडियम पर पकाएं। मालपुए खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। आप इसको खीर के साथ, रबड़ी के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो सर्व कर सकते हैं। जो हम गुड़ वाले मालपुए बनाते हैं उनको हम तवे पर बना लेते हैं, सिंपली आटे में गुड़ डालकर जो बनाए जाते हैं। और लेकिन जो ये मालपुए बनाए जाते हैं इनको फ्राई करके बनाया जाता है। इसमें मैदे और मावे का या कंडेंस मिल्क का या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होता है, जबकि जो आटे से बनाते हैं, सिंपल पुए बनाते हैं, उसमें हम आटे और गुड़ का यूज़ करते हैं। और डाल लेते हैं जितने हमने निकाल लिए हैं, उसको हम चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। चाशनी की कंसिस्टेंसी देखिए गाढ़ी होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है, इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा। डिप करेंगे हम 2 मिनट के लिए, हम इसको चाशनी में ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ी सी इसमें चाशनी भर जाए थोड़ी अच्छे से। बाकी हमने जो भी फ्राई करने के लिए डाले हैं इनको निकालने के बाद उनको भी इसमें ही हम डिप करेंगे।
दो दो मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट तक आप इनको इसमें डिप करते रहें और साथ साथ निकाल कर रखते रहें। दबाकर इनका इस तरह से आप ऑयल जो है इसमें निकाल दें, क्योंकि काफ़ी ऑयल इसके अंदर हो जाता है। आप किसी भी बड़े स्पून से, लेडल से इस तरह से इसको डाल सकते हैं। जो हमने पहले डाले थे उनको हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा इनको भी प्रेस कर देंगे ताकि चाशनी जो है थोड़ी सी इसमें से भी एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। थोड़ा सा इसको इस तरह से हम स्पैटुला से दबाकर थोड़ी चाशनी को निकाल देते हैं। इनको सर्व करने के लिए प्लेट में रख लेते हैं दूसरे, और बाकी के जो है उनको भी फ्राई करके हमने इसी तरह से चाशनी में डिप करके निकाल लिया है। थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है मालपुए सर्व करने के लिए। आइए थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू अगेन।